अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व टेस्टी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से निज़ामे रोल्स, जो बहुत मज़ेदार बनते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है इसकी, तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या प्रिपेयर किया है। रेसिपी शेयर करने से पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे हदीस। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो रेड सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, साथ में जो बेल आइकन है इसको प्रेस करने से आपको मेरी वीडियोज़ पहले देखने को मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे थम्स अप दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आग का हमला, इस उनवान के तहत एक अहम हदीस मुबारक पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़ख की आग क़ियामत के दिन बाज़ लोगों के टखने पकड़ेगी और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घुटनों तक पहुँच जाएगी। बाज़ बदनसीबों की कमर भी इसके शोलों के लपेट में आ जाएगी और बाज़ लोग हंसली तक आग में गर्क होंगे। इस हदीस मुबारका को रिवायत किया है मुस्लिम ने। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन, जो कि है 750 to 800 ग्राम्स कुछ होगा। इसको मैंने जुलियन कट कर लिया था, यानी लंबाई में मैंने कट कर लिया था। इसके बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे विथ 1 टीस्पून हीप्ड सॉल्ट, 2 टीस्पून हीप्ड हम डालेंगे चिली पाउडर, साथ में डालेंगे 1 टीस्पून हीप्ड ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हीप्ड हम डालेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हम डालेंगे स्लाइटली हीप्ड गरम मसाला पाउडर, साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 टीस्पून हीप्ड जिंजर गार्लिक पेस्ट, 4 टीस्पून डालें या फिर 2 टेबलस्पून भर कर डाल लें। इसके बाद हमने चिकन में ऐड किया है 4 टेबलस्पून हीप्ड योगर्ट, दैट इज़ दही मैंने डाला है। साथ में हम डालेंगे लेमन जूस 1 टेबलस्पून। लेमन जूस भी आप डाल सकते हैं, लेमन नहीं हो तो फिर आप विनेगर ऐड कर लें 1 टेबलस्पून। ठीक है, इसके बाद हम इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और कवर करके छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। इसे फॉर 25 to 30 मिनट्स के लिए हम इसे छोड़ देंगे। थोड़ा सा मैरिनेट कर अगर छोड़ेंगे ना चिकन को, तो ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, कोशिश करिए कि थोड़ी देर तो इसे आप मैरिनेट करके छोड़ें। ठीक है, चलिए अभी आते हैं कुकिंग की साइड। एक पैन मैंने लिया है और इसमें मैंने डाला है 4 to 5 टेबल स्पून जितना ऑयल मैंने डाला है, और हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी ना, वो सारी चिकन डालेंगे और बस हम इसे कुक कर देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी होती है स्टफिंग इसकी ना, बहुत ये सैंडविचेस की जो स्टफिंग होती है, एक साथ हम बहुत ज़्यादा बनाकर रख सकते हैं और बस इजी बन जाती है। ठीक है, तो मैंने सारी चिकन डाल दी थी और इसके बाद मुझे थोड़ा सा योगर्ट कम लगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया। 2 टेबल स्पून भर के मैंने योगर्ट और ऐड किया है। इसके बाद हम इसे मिक्सिंग अच्छे से करेंगे और फिर कवर करके इसे छोड़ देंगे ऑन अ मीडियम हाई फ्लेम फॉर 8 to 10 मिनट्स के लिए। 8 to 10 मिनट्स हो चुके थे, आप देखिए अब मेरी चिकन है ना बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ कर चुकी थी, तो हम इसे अभी हाई फ्लेम पर सारा पानी सुखा देंगे। चिकन है, बोनलेस चिकन है फिर तो, और फिर मैंने बारीक बारीक से इसे कट कर लिया लंबाई में, तो ये बहुत जल्दी गल जाती है और झटपट सी हो जाती है, जल्दी बन जाती है रेसिपी। ठीक है, तो अभी हम सारा पानी सुखाएंगे, उसके बाद हम स्टफिंग को ठंडी करेंगे, उसके बाद ही हम इसे सैंडविचेस में फिलिंग की तरह हम इसे यूज़ करेंगे। चलिए अभी रोल्स के लिए हम आटा मिलाएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैदा, जो कि है 3 कप्स हीप्ड। आप चाहे तो आधा आटा और आधा मैदा ले सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है, जिसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हीप शुगर, 2 टेबलस्पून दही, साथ में हम डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। इसको हमें मिलाना है ल्यूकवॉर्म मिल्क से। हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे आटा मिलाने के लिए, बल्कि हम इसे ल्यूकवॉर्म मिल्क से मिलाएंगे। पहले जो भी हमने आटे में डाला था उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम ल्यूकवॉर्म मिल्क यूज़ करते हुए आटा गूंद लेंगे। नॉर्मल से जैसा हम रोज़ जैसे आटा रोटी बनाने के लिए आटा मिलाते हैं ना, बस उसी तरह का हमें आटा मिलाना है। बहुत सॉफ्ट भी नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं, बस सॉफ्ट सा, हल्का सा, सेमी सॉफ्ट डो हमें बनाना है।
उसके बाद उसको मैंने रेस्ट करने रख दिया था 15 to 20 मिनट्स के लिए। इसके बाद हम रोटी बना रहे हैं यहाँ पर, रोटी बनाना तो सभी जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी पेड़ा लिया था, उसको रोल करा और फिर उसमें मैंने घी लगाया था। उसके बाद दोबारा सा पेड़ा बनाकर हम इसकी रोटी बनाएंगे। यहाँ पर मैं इसको शेप देने के लिए एक लिड रखकर कट कर रही हूँ, ताकि सारी रोटी है ना एक ही साइज़ की बने और छोटे छोटे से गोल गोल से अच्छे से बने। तो बस यही रीज़न है, मैं बस इसका शेप दे रही हूँ। आप कोई भी छोटा सा लिड ले लें या फिर छोटा सा बोल लेकर आप इसका शेप बना सकते हैं। ऐसा कोई कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, रोटी जैसे हम रोज़मर्रा की रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हमें बनाना है। बस मैंने यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल किया है रोटी बनाने के लिए, ठीक है। और अंदर अंदर और फिर ऊपर जब भी हम रोटी को सेकेंगे उसको मैंने घी से सेका है, दैट्स इट। अगर चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पर शेप मैंने दिया है ताकि अच्छा लगे, क्योंकि छोटे छोटे साइज़ के और एक ही शेप के एक ही साइज़ के रोटी अच्छे लगते हैं ना, तो सैंडविचेस भी एक ही साइज़ के बनेंगे तो अच्छा लगता है, तो इसलिए बस मैंने शेप दिया है। ओके, तो हम इस तरह से रोटी बना लेंगे और उसके बाद बस कुछ नहीं हो गया है, बस असेंबल करना होगा। बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए स्टफिंग के लिए अभी ये सब चीज़, चिकन टरी है, अनियंस और पुदीना मैंने लिया है, फ्रेंच फ्राइज थोड़े लिए हैं, ये इमली की चटनी है। इसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं की है क्योंकि मैंने इसे पहले ही बना कर रखा था, मेरे पास हमेशा मौजूद रहती है इमली की चटनी, फ्रीज़र में मैं बना कर रखती हूँ। बहुत सारे जगह काम आती है, चाट्स पे यूज़ कर सकते हैं, दही बड़ा में। इंशाल्लाह एक बार ये हो जाए चटनी, इसके बाद फिर मैं आपको इसकी शूट करके फिर इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं ना इसकी रेसिपी आपको डिटेल में लिख दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम असेंबल कर रहे हैं सैंडविचेस को। तो मैंने एक रोटी लिया है, इसमें मैंने चिकन डाला है और उसके ऊपर फ्रेंच फ्राइज डाला है। इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर इमली की चटनी, 1 टेबल स्पून या फिर 1.5 टेबल स्पून आप जितनी इमली की चटनी डाल लें। साथ में पुदीना ज़रूर डालिएगा, पुदीने का फ्लेवर इस सैंडविचेस में बहुत अच्छा लगता है। कच्ची प्याज और पुदीने के सैंडविचेस से ना इसका फ्लेवर दुगना हो जाता है, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर लगता है। तो ज़रूर पुदीना डालिए, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा अनियन डालेंगे और बस सैंडविचेस रेडी हो गया। रोल कर दीजिए, टाइटली रोल कीजिए, और अगर आपको मेहमान के सामने अगर इसे प्रेजेंट करना हो तो फिर आप इसको टूथपिक से इसको लॉक कर दें और बस आपके सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। और जो एक्सेस आपका बाहर निकल रहा है इसको बाहर निकाल दें और बस हो गई आपके सैंडविच रेडी। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है, पर बहुत मज़े की होती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत आपको मज़ा आएगा। ये सैंडविचेस बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ही। आप रात में चिकन बना कर रख लें और दूसरे दिन बस असेंबल कर आप आराम से दे सकते हैं। और आगे रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान में इफ्तार के टाइम पर भी आप ये सैंडविचेस बना कर सर्व कर सकते हैं। तो रमज़ान में इफ्तारी कम डिनर हो जाएगा, तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार से सैंडविचेस बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे आपसे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।